ए गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन शुरू करने का बस वक्त आ गया है। ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, बस अपनी टैक्सी का वेट कर रहे हैं और फिर आज दूसरा ब्लॉक है कटकम डाक, वहाँ जाना है और वहाँ के मीडिया और स्टेकहोल्डर से मुलाकात करूँगा। कल हमने जो है एक्टिविटी करी थी ब्लॉक ऑफिस में और आज है पंचायत भवन। क्या खस्ता हाल पंचायत भवन है, देख के लग रहा है कि एक्टिविटी तक बस संभल के बच जाए यही बहुत है। आइए दिखाते हैं आपको। तो ये है पंचायत भवन पसई हजारीबाग। पंचायत भवन कम और अस्पताल ज्यादा लग रहा है, बाकी तो जो है सो है। पंचायत वेब सीरीज आई थी, उसे देख करके मुझे पंचायत सचिव याद आ गए, जीतू भैया जिंदाबाद। ये है हमारे मुखिया कक्ष, हाल तो बेहाल है। प्रज्ञा केंद्र, प्रतिज्ञा केंद्र होना चाहिए था नाम। वाकई यार, सरकारी चीजों का हाल लोग बहुत बुरा कर देते हैं। ये है पंचायत समिति कक्ष, ठीक है सामने सभा हॉल है, पर ठीक है फिलहाल। तो आप कह क्या उम्मीद करेंगे, झारखंड जैसे राज्य में ब्लॉक का ऑफिस अगर बढ़िया है तो हो सकता है कि पंचायत भवन बेकार हो, पर चल जाएगा। और पंचायत भवन से बाहर निकलने पर ठीक पीछे एक तालाब है, मतलब तालाब भी ऐसा है कि उस वजह से शायद ठंडी ठंडी हवा चल रही। बढ़िया है यार ये तालाब तो। बिल्कुल बगल में ही है यहाँ पे, अच्छी जगह है, मतलब ठीक ठाक बड़ा तालाब है। वैसे गांव में ही हमें इस तरह की जो वाटर बॉडीज होती ना वो देखने को मिलती, शहर में तो अब तालाब ताल सब गायब ही हो गए हैं। हमारे यहाँ लखनऊ में तो लोगों ने पार्ट के प्लॉटिंग तक कर ली है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है गांव के जो लोग हैं ना वो अभी इन सब चीज़ों को समझते बूझते हैं कि ये विरासत है और प्रकृति से उनका लगाव है। अफसोस है कि हमारे शहर में इस तरह का लगाव देखने को नहीं मिलता है लोगों से। आज मौसम देख के लग रहा है कि बारिश जो है मजबूत होगी। बादल कड़क रहे हैं लेकिन बिजली ना दिख रही, बिजली भी आ जाए तो थोड़ा कुछ मामला बने। आज की मीटिंग खत्म हो गई और मीटिंग काफ़ी बढ़िया रही, ख़ास करके जो ब्लॉक के पत्रकार थे वो बहुत बढ़िया थे, मतलब उनको मुद्दे पे भी नॉलेज थी और मुद्दे पे पकड़ भी थी, तो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि अक्सर जो पत्रकार होते हैं ना वो कुरेद के सवाल पूछते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पत्रकार बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने कहा भी कि मतलब भविष्य में कुछ भी हम अगर एक्टिविटी करते हैं, कोई गतिविधि करते हैं तो उसमें वो पूरा सपोर्ट करेंगे, मीडिया से भी और जो एडवोकेसी पॉइंट है हमारा ना उसके लिए भी वो पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकल रहे हैं और हज़ारीबाग वापस जा रहे हैं और हज़ारीबाग में हम कुछ पत्रकारों से आज मिलेंगे। बारिश का माहौल शुरू हो गया है हज़ारीबाग में, लेकिन बहुत हल्की हो रही है अभी, इतनी कर्री बारिश नहीं हो रही है जितनी कि हमें उम्मीद थी। फिलहाल अभी हम लोग को भूख लग रही है तो इंडियन छोला भटूरा रुके हैं, ठेले के खाने का अपना अलग ही मज़ा है। क्यों कह कचा, ठेले के खाने का अलग ही मज़ा है ना, इसमें कोई शक नहीं। तो बस अभी रूम में घुसे हैं क्योंकि एक्टिविटी हमारी थोड़ा सा लेट खत्म हुई, फिर वहाँ लंच किया, फिर ऑफिस का कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम था उसको निपटाया और अभी रूम में आ गए हैं और थोड़ा सा आराम करने का मन है। नमाज़ पढ़ के थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा शाम का मज़ा लेंगे और फिर रात में डिनर के लिए निकलेंगे। हाँ, कल थोड़ा सा जल्दी और आराम से निकलना होगा क्योंकि कल हमारी फ़्लाइट है लखनऊ की, तो यहाँ से रांची जाना होता है, रांची में कुछ लोगों से मिल के फिर हमारी फ़्लाइट है लखनऊ की। तो बस फिलहाल इतना ही है, तो
अभी जाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद कुछ खाते पीते हैं। अब भाई हमें फिर से जो है अमूल के आउटलेट पर ले आए हैं, पुरानी यादें हम लोग की कम नहीं है। और फलक भाई हैं ये हमारे, हेलो फलक, फलक फलक भाई को भी हम लोग ने बताया कि अमूल का पिछली बार क्या इतिहास हम लोग ने रचा था, आज देखते हैं वो इतिहास फिर रचते हैं कि नहीं रचते हैं। तो फिलहाल डिनर कर लिया है और वापस रूम में आ गए हैं, सारे साथी जो यहाँ के जर्नलिस्ट साथी उनसे भी विदा ले ली हम, अभी बस सोना है, मस्त कल सुबह निकल जाना है। कल यहाँ पे कोई कार्यक्रम है और जिसमें सीएम आ रहे हैं किसी मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए, तो यहाँ बड़ा रश रहेगा, हो सकता है रांची में भी रश मिले, तो टाइमली हम यहाँ से निकल जाएंगे ताकि रांची पहुँच जाएँ और टाइमली भी हम फ्लाइट कैच कर सकें। तो आज के लिए इतना ही है, अपना बहुत ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और मौज करते रहिए, बिंदास रहिए, मास्क लगा के रखिए क्योंकि कोविड फैल रहा है, बाकी तो जो है सब है। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, कल नए व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह।